हेलो दोस्तों, मैं आज की वीडियो में आज आपको बताने जा रहा हूँ कार टेप का, क्योंकि वो कार टेप चालू हो रहा है मगर उसका ब्लूटूथ पैनल चालू नहीं हो रहा है। तो इसका प्रॉब्लम आज के वीडियो में आप सॉल्व कर दे देखिए आगे बता रहा हूँ मैं वीडियो देखिए 7805 IC होता है ये कैपेसिटर के बाजू में 25 वोल्ट 2200 UF का कैपेसिटर होता है, उसके बाजू में 7805 का IC होता है। आज अपने को वो चेंज करना है। देखिए 3 पॉइंट का IC होता है वो। चलो तो चले निकालते हैं उसको। निकालने के बाद देखिए दूसरा IC डाल के देखते हैं उसमें। जब तक निकालते हैं जब तक लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए, फुल वॉच कर दीजिए, धन्यवाद। देखिए आगे क्या होता है। चलो निकालते हैं IC, तीनों पॉइंट एक बार क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो उसको एक मेक को टच नहीं होने को चाहिए, क्योंकि वो टच होने से IC भी उड़ जाता है कभी कभी। उसके मार्केट में 20 रुपये कीमत है 7805 की होलसेल में। देखिए चलो निकालते हैं इसको, ख़राब IC है ये, इसको 0.14 होल्ट ये आ रहा था होल्ट, क्योंकि पैनल नहीं चालू हो रहा था। पैनल को पूरे वोल्टेज चाहिए, 5 वोल्ट का पैनल होता है, इसलिए चालू नहीं हो रहा था। चलो तो अपन चेंज करते हैं आज की वीडियो में। चलो खोलते हैं, खुल रहा नहीं है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। खुलने के बाद देखते हैं चालू करके एक बार, जब तक वॉच करना है अपना वीडियो और सब्सक्राइब कर दीजिए टेक्निकल छोटा। देखिए IC चेंज कर दिया जाए आपने, लगा के देखते हैं। IC का पॉइंट देख के ही लगाना है, उल्टा IC लगा तो ख़राब हो जाता है उसको। देखिए शोल्डर कर लेते हैं, अभी तीनों पॉइंट की शोल्डर कर लेना है। देखिए धुआं, चलो शोल्डर कर लेते हैं। जब तक सांसें मिली हैं हमको चाहूंगा, तक देखिए शोल्डर कर लिया है अपन ने, क्लियर कर लेना है एक बार। चालू करके देखते हैं अभी, देखिए चालू करके देखते हैं। पहले एक बार पैनल का सप्लाई लगाते हैं, पहले एक बार मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं 5 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि बाद में दिक्कत नहीं आने को होना लगाने के बाद। कभी कभी ज़्यादा वोल्ट जाने से पैनल भी ख़राब हो जाता है। देखो ये अपना 5.6 वोल्ट आ रहा है। देखिए आप पैनल चालू कर देते हैं, पैनल को लगा देते हैं। एक बार पैनल को सप्लाई देने से पैनल लगे चालू हो जाता है। देखिए अंदर पिन है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है लगाने में। देखिए आप चाल करके देखते हैं, बैटरी का सप्लाई देना है 12 वोल्ट। देखिए सप्लाई दिया है, देखिए चालू हो गया है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है अपना। पूरी तरह से क्लियर हो